नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, ट्रैफिक से निजाम दिलाने के लिए जो है सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जा रहा है और एक फ्लाईओवर अखनूर रोड पर बनाया जा रहा है, लेकिन इस फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर जो दुकानदार हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग इन सड़कों से गुजरते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर अन्य लोग जो पैदल चल रहे हैं, उन्हें धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। धूल मिट्टी जो है उन्हें यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस डस्ट के कारण जो है वो कई बार बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो कोई ना कोई कदम उठाए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि आम जनता क्या कहना चाहती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए जाने का प्रयास करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश शर्मा है, मैं पाटा पलोरा में रहता हूँ। तो अविनाश जी, जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है फ्लाईओवर की, इस कंस्ट्रक्शन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? रितेश जी, ऐसी है कि मेरा घर जो सा है फ्लाईओवर से कम 50 से 60 मीटर दूर पड़ता है, लेकिन हमारे घर की डाइनिंग टेबल, किचन और साथ में मेरा स्कूल भी है, स्कूल के सारे डेस्क जो उनसे हैं, सुबह हम लोग उसको डस्टिंग करके बैठते हैं तो 10 बजे तक दोबारा से पूरे पूरे बच्चों के कपड़े सारा कुछ डस्ट से भर जाता है। हम लोग फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं है, हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए फ्लाईओवर बना रही है, लेकिन फ्लाईओवर बनाने वालों ने कोई प्रोटेक्शन नहीं रखी है। डस्ट उड़ रही है, तूफान की तरह उड़ती जा रही है, पूरे के पूरे घर जो से हमारे मिट्टी से भरे हुए हैं। मतलब हमारे अंदर कितनी मिट्टी जा रही होगी इसको तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मरीज लोग भी हैं, दूसरे लोग भी, बूढ़े लोग भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मैं लुधियाना गया थोड़े दिन पहले, यही कंपनी जो ये कंस्ट्रक्शन कर रही है लुधियाना में, वहाँ पर इन्होंने पूरे फ्लाईओवर के साथ साथ में टिन शीट्स लगा रखी हैं जो कि प्रोटेक्शन है, उससे धूल उड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से उसके साथ में फुटपाथ पर भी धूल नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 60-70 फुट तक जो है मीटर तक धूल ही धूल है। हर दुकान यहाँ पर जो है, ये तो जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि सारा दिन सिर्फ धूल ही उतार रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ आता, इतने करोड़ों रुपए से जो ये फ्लाईओवर बना रहे हैं तो ये छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? छोटा सा काम करते हैं, टिन शीटें लगाते हैं, हर एक जगह लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करके राजी हैं। ओवरफ्लाई बन रहा है, अच्छी बात है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, खुशी है हमारे लिए, ट्रैफिक काम होगी, एक्सीडेंट काम होगे, लेकिन प्रोडक्शन कोई नहीं है लोगों को। मेरी दुकान है जहाँ पर, अगर आप दुकान के अंदर देखें तो सामान कम है, धूल ज़्यादा है, पता नहीं चलता ये कौन सा सामान है। और इस धूल को कैसे कम किया जा सकता है? इस धूल को सर ऐसे कम किया जा सकता है कि आप देखो जो बाहर फ्लाईओवर बने हैं ऑल इंडिया में, वो पूरे कवर किए होते हैं, टीन शाइड लगी है साइडों में, उससे धूल नहीं जाती है। ये तो पूरा ओपन में ही है, गाड़ियां जा रही हैं जैसे पीछे कोई इनके पीछे भाग रहा है, पीछे धूल ही धूल है, जैसे तूफान की तरह धूल आती है, कोई पता नहीं चलता। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट में यही कहना चाहता हूं कि जो ओवरफ्लाई ब्रिज कंपनी बना रही है वो उनको बोले कि ये जो लोग साइड में रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं, उनकी प्रोडक्शन की जाए धूल से, उनको उसको कवर किया जाए, धूल को किसी तरह से भी कवर किया जाए, लेकिन किया जाए। सर, आपका नाम? सर अशोक, मेरा नाम है। अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या इससे कोई समस्या भी उत्पन्न हो रही है? सर देखो, बेनिफिट तो है, चलो हम कहते हैं गवर्नमेंट सोच रही है हमारे बारे में, चलो फ्लाईओवर वगैरह डेवलपमेंट होनी चाहिए। दूसरा ये नुकसान हमारे को ये है कि जब हम शुरू करते हैं पवन आइसक्रीम से जैसे स्टार्ट हो जाता है ये, तो वहां से लेके ये 3-4 किलोमीटर का सारा खड्डा ही खड्डे है सारे में, क्योंकि हम टू व्हीलर से आते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी टू व्हीलर वगैरह को ही आती है। एक तो डस्ट इतनी है, गड्ढे इतनी है इस रोड पे कि आप सफर कर ही नहीं सकते 3-4 किलोमीटर का। दूसरा डस्ट की वजह से हमारे को ज्यादा दिक्कत आ रही है, शॉप्स वगैरह में जितना मटेरियल हो रहा है वो भी खराब हो रहा है, हमारी सेहत पर भी फर्क पड़ रहा है। सेहत मीन्स इन द सेंस कि जैसे जितनी डस्ट होती है, हम मास्क तो पहनते ही हैं, मास्क के बावजूद भी इतनी बुरी हालत है कि हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं 2 मिनट के लिए बाहर, और दुकान के अंदर की कंडीशन तो इतनी खराब है कि सारा मटेरियल ही खराब होता जा रहा है।
तो कस्टमर आना बिल्कुल ही बंद हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर के लिए आने के लिए उसको गाड़ी की जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो यहाँ का रोड है इतना खराब हो चुका है कोई आने के लिए राजी ही नहीं होता, और हमारी मतलब कह सकते हैं दुकानदारी खत्म हो चुकी है। डस्ट जिस तरह से आपको यहाँ नजर आ रही है, इस डस्ट का अल्टरनेट क्या है, किस तरह से इस डस्ट से बचा जा सके? कई बार क्या होता है कि जब हम कंप्लेंट वगैरह करते हैं तो सिर्फ एक दो दिन कभी कभी इनका टैंकर आता है पानी के लिए, नहीं तो इनको कोई फिक्र नहीं है, कोई इनका टैंकर यहाँ आने के लिए राजी नहीं हो रहा है बिल्कुल, ना कोई सुनवाई है सर यहाँ पे। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं ठीक है आप कोई डेवलपमेंट हो रही है उसको करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर आम पब्लिक का भी ध्यान रखा जाए और उनके बिजनेस का भी ध्यान रखा जाए, जिसको इन फ्यूचर उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सर समस्या देखो, कनाल रोड से बन रहा है यहाँ तक प्लॉट देख, पहले नंबर तो यहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, जब भी रात को बारिश होती है जब पानी जितना भी है पहले नंबर तो हमारी दुकानों के अंदर चला गया, तीन चार बार हमारे प्रशासन को भी बोला पर हमारे यहाँ पे कोई भी सुनने के लिए कोई नहीं आया। दूसरे नंबर ये धूल वाला जो सिस्टम है, ये धूल इतनी है कि जो लगातार ये सिस्टम सारा खराब है, धूल जितनी है वो सब दुकानों के अंदर जा रही है, उससे वजह हमें भी काफ़ी परेशानी आ रही है, ना तो हमारे यहाँ कोई कस्टमर आता है, ये देख लो ये खड्डे बने हुए हैं, इसको ना कोई भरने वाला आता है ना कोई प्रशासन का आता है, हम जाए तो जाए कहाँ के, तभी हम आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से चाहते हैं कि टाइमली इसको प्रिपेयर किया जाए, सब मेंटेनेंस जो सेंटर ने दिया हुआ है उसके ला के तहत ये काम किया जाए, जहाँ पे गड्ढे हैं वो भरे जाए, जहाँ पे पानी का निकासी है वो निकासी निकाली जाए, ताकि हमारा भी बिजनेस चल सके। 2019 में इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन इस कार्य की गति जो है काफ़ी धीमी है, और धीमी गति होने के कारण जो है लोग, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर या फिर जो बिजनेस करते हैं वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाता है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, लेकिन लोग सफ़र ना हो इसका भी ख्याल रखा जाता है। हम एजेंसी से, हम गवर्नमेंट से, हम प्रशासन से अपील करेंगे कि वो इधर चेक एंड कंट्रोल करें, और जो लोग सफ़र हो रहे हैं उस पर भी ख्याल रखा जाए, और ख़ासकर यहाँ पर डस्ट को रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाए, चाहे वो पानी की सुविधा हो टैंकर के माध्यम से या फिर प्रोटेक्शन शीट्स हो, ताकि लोग जो डस्ट के कारण बीमारियों को न्योता दे रहे हैं वो बीमारियों से जो है निजात पा सकें, और कंस्ट्रक्शन का कार्य भी जल्द समाप्त हो ताकि लोग जो है ट्रैफिक से निजात पा सकें। इसके साथ ही कैमरा पर्सन जतेंद्र नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।